मॉर्निंग बच्चों, व्हाट वी डिड टू स्टडी द लिमिट्स ऑफ पाई बाय बच्चों। कल क्या कहते बच्चों, हमने लिमिट्स ऑफ पाई बाय क्या था पहले शायद बच्चों आप लोगों को नहीं भेजिए हम क्या हम तो एक्साइटेड है। वो मंडे से हम क्लास आने वाले हैं, इसलिए मंडे से ही पढ़ेंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ने का यार। मैं भी ऐसे सोच रहा हूँ मंडे से ही कुछ करेंगे, अभी नहीं करना। ठीक है बच्चों, कल बच्चों मैंने लिमिट्स अब पाई बाय का किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बच्चों। और आई सेड बच्चों देयर आर टू पार्ट, वन इज द ऑप्शन गिवन विद द परचेज प्राइस गिवन बच्चों। विद द परचेज प्राइस, व्हाट इज द परचेज प्राइस बच्चों? परचेज प्राइस इज द प्राइस एट विच द कंपनी गोइंग टू बाय बैक द शेयर बच्चों, है ना। जिस प्राइस पे कंपनी शेयर खरीदने वाला बच्चों प्राइस बोलते हैं ना, परचेज प्राइस। नॉर्मल होता क्या बच्चों, इसके अंदर फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम बच्चों, प्रीमियम ऑन बाय बैक बच्चों। बट ये परचेज प्राइस, द परचेज प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच द कंपनी गोइंग टू बाय बैक। बच्चे तो जो रिवाइज कर रहा हूँ पीछे का, मुझे मान लो कुछ बच्चे यहाँ पे फिर से उठते ना, तो जस्ट आई जस्ट रिकॉलिंग क्योंकि मैंने कल बोला था बच्चों कि अगर जिसको फर्स्ट ऑप्शन रेडी रहेगा बच्चों तो उनके लिए सेकेंड ऑप्शन बहुत ईजी रहेगा बच्चों, इसलिए मैं रिकॉल कर रहा हूँ बच्चों। मेरा भी तो रिविजन रहेगा बच्चों। तो मैं जब परचेज प्राइस गिवन बच्चों, मैंने परचेज प्राइस का मतलब बच्चों प्राइस एट विच द कंपनी गोइंग टू बाय बैक द शेयर। जिस प्राइस पे कंपनी शेयर खरीदता है बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग परचेज प्राइस। ठीक है बच्चों, अब परचेज प्राइस जिन गिविंग बच्चों क्या मैंने कल किया था बच्चों, ऑप्शन ज्यादा ना बच्चों, जस्ट रिवीजन बच्चों, रिवाइज कर गया, रिवाइज ऑफ ऑप्शन वन बच्चों। क्या था बच्चों, नहीं याद है सर? मैंने बच्चों ऐसा किया, मुझको भी नहीं याद है सर। पहले मैंने बच्चों किया था शेयर होल्डर फंड, मैंने शेयर होल्डर फंड किया था बच्चों। और बट शेयर होल्डर फंड में बच्चों अपना शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व था, क्या आ रहा है? शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व था बच्चों। फ्री रिजर्व ओनली डिविजुअल प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम बच्चों, नॉन डिविजुअल प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लेंगे बच्चों के दफ्तर है। टेक केयर। एंड देन बच्चों लेस हाफ ऑफ द लोन फंड बच्चों, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लिए थे ना बच्चों, लेस हाफ ऑफ द लोन फंड, सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड, लेस करके बैलेंस आ बच्चों। और लेस डिवाइड बाय बच्चों परचेज प्राइस, परचेज प्राइस पीपी बच्चों है ना, डिवाइड ये आया था नंबर ऑफ शेयर। क्या लगा कुछ किसी को भाग्य आ रहा अपना चना बंदरी? शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बच्चों हाफ ऑफ द लोन फंड क्या था बच्चों, सिक्योर प्लस अनसिक्योर क्या था के इन द टोटल, उसको लेस कर दिया बच्चों ये आंसर आया था। उसको हम लोग परचेज प्राइस से क्या करें बच्चों, डिवाइड करें, ओके, तो वी गेट द नंबर ऑफ शेयर राइट। फिर सेकेंड क्या क्या था बच्चों मालूम नहीं सर, 25% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल क्या था मैंने याद आ रहा कुछ, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% क्या था ओके, एंड डिवाइड बाय द फेस वैल्यू, और हमने इसको फेस वैल्यू से डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, फेस वैल्यू से है ना। तो इससे चार था नंबर ऑफ शेयर, ये था बच्चों अपना सेकंड पार्ट पहले। फिर थर्ड क्या लिया था बच्चों उन्होंने, 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व समझो, यहाँ पे था पेड अप इक्विटी था बच्चों, और यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो इक्विटी प्रीमियम दोनों आएगा बच्चों, हाँ उसका 25% एंड डिवाइड बाय परचेज प्राइस बराबर बच्चों ट अगेन सॉरी नंबर ऑफ शेयर बच्चों सब बच्चों। ठीक है इतना, फिर क्या करते थे बच्चों, वन में इतना शेयर आया, फिर इधर शेयर आया बच्चों, फिर इसमें शेयर आया, ये तीनों हम लोग
लिस्ट सेलेक्ट करते हैं, लोवेस्ट, लोवेस्ट ऑफ 1 2 3 होता है, लोवेस्ट ऑफ 1 2 3। सर आप ये तो कल कराए थे, फिर से कर रहे क्या? हाँ 1 2 3 वो तीनों का बच्चों लोवेस्ट सेलेक्ट करता है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 का लोवेस्ट बच्चों। That must share बच्चों नंबर ऑफ शेयर बाय वन होगा, नंबर ऑफ शेयर बाय वन। ओके बच्चों, जो लोएस्ट आएगा वो इतना शेयर क्या वाला का कंपनी ने बाय बैक किया है बच्चों। तो इनका बाय बैक के लिए बच्चों जो परचेज प्राइस दिया था तो उन्होंने शेयर होल्डर फंड किया था बच्चों, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेस लोन फंड का हाफ लेस करना था बच्चों, लोन फंड का सिक्योर्ड प्लस अनसिक्योर्ड बोथ, फिर डिवाइड बाय परचेज प्राइस। सेकेंड ऑप्शन था बच्चों पेड अप 20 इक्विटी शेयर कैपिटल का 25% एंड डिवाइड बाय फेस। थर्ड ऑप्शन था बच्चों पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का 25% एंड डिवाइड बाय परचेज प्राइस। ओके, तो तीनों का बच्चों लोएस्ट को सेलेक्ट करना होगा, राइट? दैट मींस नंबर ऑफ शेयर बाय। मैं ये क्यों कर रहा हूं बच्चों, ताकि आपको रिकॉल कर दो बच्चों व्हाट इज आवर डिफरेंस है बच्चों फर्स्ट और सेकंड। आई बच्चों इधर सेकंड लिमिट ऑफ बाय सेकंड ऑप्शन, व्हेन द परचेज प्राइस नॉट गिवन बच्चों, व्हेन द परचेज प्राइस नॉट गिवन। अब बच्चों जब परचेज प्राइस नॉट गिवन है तो देखो बच्चों जब परचेज प्राइस नहीं है तो क्या मैं ये कर सकता हूँ बच्चों डिवाइड, परचेज प्राइस तो नहीं है ना, आई कैन डू द डिवाइड ऑफ परचेज प्राइस बच्चों, तो हम ये आप ये नहीं कर सकते बच्चों। थर्ड ऑप्शन था बच्चों अगेन परचेज प्राइस, बट परचेज प्राइस नहीं है ना बच्चों, तो हम इसका अगर थर्ड ऑप्शन भी नहीं कर सकते बच्चों। व्हाई वी आर नॉट डूइंग द बच्चों फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन, बिकॉज द आवर सेकंड केस बच्चों द परचेज प्राइस नॉट गिवन, जब परचेज प्राइस नहीं है बच्चों तो आप परचेज प्राइस कैसे डिवाइड कर सकते हो, परचेज प्राइस नहीं है तो कैसे डिवाइड करोगे, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा बच्चों इस केस के लिए, तो कौन सा ऑप्शन बच गया बच्चों। तो बच्चों ये तो कर सकते ना, ठीक कर सकते बस बच्चों ये मुझे फिर जब तक उसको पता होगा कि 25% पेड़ अप इक्विटी सर, 25% पेड़ अप इक्विटी सर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, परचेज प्राइस नहीं रहेगा ये फेस वैल्यू तो रहेगा ना बच्चों। ओके, तो फेस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, ये जो आंसर आएगा ना बच्चों यही नंबर ऑफ शेयर क्या आएगा बॉट वैल्यू, यानी ये वाला आंसर। कल के ऑप्शन में जो हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे ना 1 2 3 में से, इसमें कुछ नहीं जो सेकंड था एक्टा वर्किंग ऑर्डर जो सेकंड नोट है वो सेकंड करेंगे, वही आंसर जो है मतलब ना दैट का जो शेयर बॉट कर रहे क्यों, जो पहला और थर्ड नहीं करने, क्यों पहला थर्ड नहीं करने बच्चों, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड करने के लिए वी नीड अ परचेज प्राइस, पर हेडिंग क्या बच्चों परचेज प्राइस नॉट गिवन, जब पर्चे पे नहीं है बच्चों तो आप ये पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन नहीं कर सकते, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल रहेगा बच्चों इस सेकेंड में 25% पेड़ इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू, जो आंसर आएगा बच्चों दैट मींस जब शेयर का आपका बहुत बड़ा मतलब बच्चों ने क्या बोल रहा हूँ, कल आपने जो किया था बच्चों उसका जो सेकेंड पॉइंट है बच्चों वो पॉइंट का जो आंसर रहेगा बच्चों वही अपना बॉट वैल्यू का शेयर रहेगा। ओके, अभी बच्चों कितने में तो गया, कितना शेयर खरीदा आपको, बट कितने में खरीदा, प्राइस कैसे निकालेंगे हम लोग उसके लिए, क्या देखो ये परचेज प्राइस को मैं भूल जाओ, ये परचेज प्राइस को भूल जाओ, और चले जाते हैं क्या सर आप ऐसा कॉल कर रहे क्या, देखो शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व लेस हाफ ऑफ द लोन। अब खाली फर्क क्या बच्चों, इसको हमने यहाँ पे पर्चे प्राइस से डिवाइड किया था, यहाँ पे पर्चे प्राइस से डिवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पर्चे प्राइस नहीं है, राइट? ये रुपीस में आएगा आंसर। व्हेन वी डिवाइडिंग विद द पर्चे प्राइस बच्चों वी गेट अ नंबर ऑफ शेयर, शेयर फॉर्म में आएगा, जब आप डिवाइड नहीं कर रहे बच्चों तो अमाउंट फॉर्म में आएगा, रुपीज फॉर्म में आएगा। ओके, और थर्ड वाला 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्रेज अगेन इसको भी डिवाइड नहीं करते, इसका मतलब तो जब उन्होंने कल का जो ऑप्शन क्या करा उसमें यहाँ पे सेकेंड वाला पॉइंट करूंगा बच्चों तो अपने नंबर सेम मिल जाएगा, और फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों बाद में करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड
shareholder fund, share capital plus treasury, less half of the loan fund, secured and unsecured. Okay? Take out your net total. 25% paid up share capital plus treasury. बराबर है. अब ये जो दोनों अमाउंट आएगा ना बच्चों, ये दोनों में लोवेस्ट सेलेक्ट करो सर, लोवेस्ट सेलेक्ट करो. उसको बोलते बच्चों मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर वाटर, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर वाटर बच्चों. कितना से अमाउंट आपके लिए बैलेंस अवेलेबल है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर वाटर बच्चों. तो लोवेस्ट ऑफ ए एंड बी, ये जो ए और बी पॉइंट है बच्चों, उसका लोवेस्ट जो अमाउंट आएगा बच्चों, उसमें से लोवेस्ट सेलेक्ट करने का उतना क्या बच्चों, क्या अमाउंट अवेलेबल है बायबैक करने के लिए बच्चों. ओके बच्चों, नाउ द परचेज प्राइस इक्वल टू बच्चों, अब क्या करने, परचेज प्राइस इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक. जो मैक्सिमम अमाउंट आ रहा है बच्चों, मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बायबैक अपॉन नंबर ऑफ शेयर बॉट बच्चों. ये सेकेंड कल ए और बी बच्चों करोगे, उसमें से लोवेस्ट लेना, क्या रहेगा बच्चों मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल, कितना आपके अमाउंट अवेलेबल है बायबैक करने के लिए, और उसके बच्चों नंबर ऑफ शेयर से बॉट बैक से डिवाइड कर दूँ, आपका आ जाएगा परचेज. तो कल का ये ऑप्शन था बच्चों, बट उसके बस एक पिन चेंज कर दिया बच्चों. कल वाले में से बच्चों जब परचेज प्राइस दिया रहेगा तो दो फर्स्ट एंड थर्ड परचेज डिवाइड कर बच्चों, ईच ऑफ फेस वाइज. अभी बच्चों परचेज प्राइस नहीं है, मतलब परचेज प्राइस नॉट गिवन बच्चों, तो वी कैन डू द फर्स्ट एंड थर्ड बच्चों. फर्स्ट थर्ड वी कैन डू दैट, सेकंड कर सकते हैं ना बच्चों. 25% पेड अप इंक्रीज देयर कैपिटल डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू. ओके चलो करते हैं, चलो मैं अमाउंट लेता हूं 25% पेड अप करता हूं. कल के एग्जांपल लेकर के 5 लाख का मेरे पास, 5 लाख का 25% 1,25,000 फेस वैल्यू 10 8 लाख का हाफ बच्चों 4 लाख क्या रहेगा बच्चों 8 लाख का अमाउंट. पेड अप शेयर कैपिटल प्लस थ्री जो 12 लाख रहेगा, 12 लाख का 25% बच्चों 3 लाख. ए कितना बच्चों 8 लाख, बी कितना आ रहा है 3 लाख, तो लोवेस्ट क्या बच्चों 3 लाख. इट मीन्स आपके पास बच्चों बाय बाय करने के लिए कितने पैसे अवेलेबल है 3 लाख, 3 लाख अमाउंट है बच्चों. और आपको शेयर कितना बाय बाय करना है 12,500 बस, परचेज प्राइस बच्चों मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल नंबर ऑफ शेयर बॉट बैक 12,000. चलो डिवाइड कर देता हूँ 3 लाख डिवाइड बाय 12,000 फाइनल 24 रुपीज आ गया. इसका मतलब जो आप 24 रुपीज में शेयर बाय बैक करने वाले, अब ये 24 है ना बच्चों, इसका मतलब क्या 24, उसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इस 24 रुपीज में 10 रुपीज का फेस वैल्यू एंड द 14 रुपीज का प्रीमियम ऑन बाय बैक. ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो बच्चों पर्चेज ऑफ से प्राइस नॉट गिवन, तो पहला 25% पेड अप रिसर्व कैपिटल, ओके दिस डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो मिल गया नंबर ऑफ शेयर बॉट. ठीक बच्चों सेकंड पॉइंट में शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल प्लस थ्री जो लेस हाफ ऑफ द लोन फंड डिवाइड नहीं करना के लिए बच्चों की वजह वो अमाउंट कौन मिलेगा 25% पेड अप शेयर कैपिटल प्लस थ्री जो बच्चों उसको भी डिवाइड नहीं करना है बच्चों. ए और बी में बच्चों जो लोवेस्ट है उसको सेलेक्ट करो, उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल फॉर बॉट बैक. ओके अब पंच बच्चों मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल और नंबर ऑफ शेयर कॉन्ट्रैक्ट डिवाइड कर दो बच्चों, आपका आएगा परचेज प्राइस. हो जाएगा बच्चों बस बच्चों इतना रूल अगर आपको जनरेट भी रेडी है बच्चों और ये दोनों रूल याद रहेगा तो बायबैक का काम बहुत ईजी है बच्चों, और सबसे मार्क इन्वेस्टमेंट चैप्टर से भी बहुत ईजी है बच्चों, मार्क्स ओरिएंटेड है,
पहले इतना रूल याद है आपको, इन्वेस्टमेंट में तो लॉन्ग होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उसमें ज़्यादा चांस नहीं है लॉन्ग होने का। ठीक है, उसका आप लोग रेडी कर दो बच्चों, ये रेडी हो जाएगा तो आप लोग सम स्टार्ट करेंगे।